हेलो गाइस, आपकी फेवरेट फिल्म कब्जा आज के दिन रिलीज हो चुकी है। जैसा कि आपको काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि उपेंद्रा की कब्जा मूवी कब आए और कब हम इस फिल्म को देखने जाए, क्योंकि आपके मन में हो रखा था कि ये केजीएफ के जैसे फिल्म है जो होने वाली है और केजीएफ की पूरी कॉपी ही बन गई। हाँ दोस्तों, जैसा सोचा था वैसी ये फिल्म निकली। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस फिल्म में आपको उपेंद्रा के साथ शिवा कुमार, किच्चा सुदीप, श्रिया सरन है जो लीड रोल में नजर आए। हाँ दोस्तों, इस फिल्म का जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब आ रहा है और इस फिल्म की रिव्यू के बारे में भी हम बात करेंगे। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ समय से देखा जा रहा है कि जो साउथ की बड़ी बड़ी फिल्में हैं वो अपना जलवा बिखेर रही है, पर आज के दिन कब्जा मूवी रिलीज हुई और रिलीज होते ही बहुत ही बुरा रिएक्शन आया है फिल्म को लेकर। इस फिल्म को लेकर जो ऑडियंस है वो सिनेमा घरों से आती है और आते ही अपना बुरा रिएक्शन देती है। इस फिल्म को लेकर जो ऑडियंस है वो सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाल रही है। हाँ दोस्तों, एक यूजर्स लिखता है कि अगर आपने केजीएफ चैप्टर 1 या केजीएफ चैप्टर 2 देखा है तो इस फिल्म को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो उपेंद्रा की एक्टिंग है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। और वहीं दूसरा यूजर्स लिखता है कि ये फिल्म बिल्कुल ही पकाऊ है। हाँ दोस्तों, इस फिल्म को लेकर काफी बुरा रिएक्शन आ रहा है। आपको बता दें कि जब फिल्म रिलीज होने वाली थी तो ऐसा लग रहा था कि ये कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी, जैसे कि पठान, आरआर, बाहुबली जैसी बड़ी बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड साइड में कर देगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि लोगों का मानना था कि ये फिल्म पूरी की पूरी केजीएफ जैसी होने वाली है और वही हुआ। केजीएफ के जैसे ये पूरी की पूरी कॉपी फिल्म है। हाँ दोस्तों, पूरी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इस फिल्म में आपको जो ट्यून है वो केजीएफ जैसी लगेगी, जो अंधेरा आता है, जो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन दिखाई गई इसमें वो भी केजीएफ जैसी हो सकती है, पर जो एक्टिंग और डायलॉग और जो सीन है ना भाई साहब, वो केजीएफ जैसे किसी भी फिल्म के नहीं हो सकते। हाँ, एक बोरिंग करने वाला सीन है इसमें, आपको मैं दिखाना चाहूंगा वो कैसे है। दोस्तों, आपने देखा कि आप किस प्रकार से इरिटेट हो जाएंगे। आप जब सिनेमाघरों में ये फिल्म देख रहे थे तो आपके सामने बार बार ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा था, तो एक बार नहीं ये बैकग्राउंड कम से कम 100 बार आया होगा। तो इसे देखकर ये बताओ कि कौन खुश होता है, कौन मूवी देखने जाएगा। सब इरिटेट हो गए, सबको गुस्सा आया और जो लोगों की रेटिंग है वो 1 स्टार भी नहीं रही है। हाँ दोस्तों, लोगों ने इस फिल्म को बिल्कुल भी अच्छी नहीं बताई है। सब इस फिल्म को लेकर यही बोल रहे हैं कि साउथ का नाम खराब कर दिया और बिल्कुल ही पकाऊ फिल्म है। हाँ दोस्तों, हालांकि इस फिल्म का जो बजट है वो 120 करोड़ है और आज के दिन इस मूवी ने 10 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अगर ये मूवी 150 करोड़ का कलेक्शन करती है तभी इस मूवी को हम हिट कह सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आज के दिन के बाद ये मूवी ज़्यादा कलेक्शन कर पाएगी, क्योंकि सब ने इस मूवी को देख लिया है और वो अपने आस पड़ोस में यही कहेंगे कि इस मूवी को देखने से तो अच्छा है कि हम तारक मेहता शो देख ले। हाँ दोस्तों, बाकी आप क्या कहना चाहोगे उपेंद्रा के बारे में और इस फिल्म के बारे में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।